कर्मों की गति ऐसे कर्म जो मृत्यु को नज़दीक ले आते हैं। एक गांव में एक फौजी था। बेचारा फौजी बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। उसके बचपन में ही उसके माँ बाप का निधन हो गया था और वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। फौजी ने शादी भी नहीं किया था, इसलिए ना उसकी पत्नी थी और ना ही उसके बच्चे थे। ना कोई भाई था, ना कोई बहन थी। वह अकेला ही कमाता, अकेला ही खाता और उसके खर्चे के बाद जो पैसे बच जाते वो उसे फौज में जमा करता जा रहा था। समय बीतता रहा, फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक सेठ से हुई जो फौज में माल सप्लाई करता था। उन दोनों के बीच परिचय बढ़ते बढ़ते दोस्ती में बदल गई। वो दोनों अक्सर मिलते जुलते थे और एक दूसरे का हाल समाचार पूछा करते थे। एक दिन सेठ उस फौजी के सामने एक प्रस्ताव रखता है कि मैं एक व्यापारी हूँ और मुझे व्यापार का अच्छा अनुभव भी है, सो तुम्हारे पास जो पैसे हैं मैं उसको अपने कारोबार में लगाकर कुछ ही दिनों में बढ़ा दूंगा। फौजी ने कहा, सेठ जी भला इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? सेठ ने कहा, अरे फौजी भाई, जो पैसा तुम्हारे पास है वो बढ़ नहीं रहा है, बल्कि उतने के उतने ही पड़ा है। यदि तुम मुझे अपने उन रुपयों को मुझे दे दो तो मैं उसे कारोबार में लगा दूं, तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा और कारोबार में जो फायदा होगा उसमें हम दोनों बराबर के हिस्सेदार होंगे और तुम्हारा मूलधन भी तुम्हें मिल जाएगा। यह सुनकर फौजी बड़ा खुश हुआ और उसने अपना बचाया हुआ रुपया सेठ को देने को तैयार हो गया। फौजी ने सेठ को अपने पैसे दे दिया और सेठ जी ने उन पैसों को अपने व्यापार में लगा दिया। समय के साथ साथ सेठ का व्यापार भी बढ़ता गया। सेठ को खूब कमाई होने लगी और कुछ ही दिनों में उसका कारोबार बढ़ गया। फौजी अपने काम में ईमानदारी से लगा रहा, परंतु कुछ ही दिन बाद बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ गई। युद्ध की घोषणा हो गई और उस फौजी को लड़ाई में जाना पड़ गया। लड़ाई के मैदान में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। वह घोड़ी इतनी अड़ियल और बदतमीज थी कि फौजी जितनी जोर से लगाम खींचता वह घोड़ी उतनी ही तेज भागती। परिणाम यह हुआ कि घोड़ी दौड़कर दुश्मनों के गोल घेरे में जाकर खड़ी हो गई। दुर्भाग्य से फौजी दुश्मनों से बुरी तरह गिर गया और लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गया और अंततः वह घोड़ी भी मर गई। जब सेठ को यह समाचार मिला कि युद्ध में फौजी की मृत्यु हो गई है तो वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। सेठ का खुश होना उसके नियत की गवाही दे रहा था। सेठ को मालूम था कि उस फौजी का कोई वारिस तो है नहीं, तो अब यह पैसा किसी को देना भी नहीं पड़ेगा। सेठ मन ही मन ये सोचकर बहुत खुश हो रहा था कि अब मेरे पास पैसा भी हो गया और सारा बिजनेस भी चमक गया, अब पैसा लेने वाला भी कोई नहीं रहा। यह सोचकर सेठ बहुत खुश हुआ। समय का पहिया घूमते देर नहीं लगता। कुछ ही दिनों के बाद सेठ जी के घर में खुशियाँ आईं। उनके घर लड़का पैदा हुआ। अब सेठ जी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि भगवान की बड़ी दया है उन पर। सेठ की तो मानो लॉटरी लग गई हो। उसके पास खूब पैसा भी हो गया, उसका व्यापार भी खूब चल पड़ा और भगवान की कृपा से लड़का भी हो गया और अब कोई लेने वाला भी नहीं रहा। सेठ जी बहुत खुश हुए। धीरे धीरे समय निकलता रहा और सेठ का वो लड़का बड़ा हो गया। वह लड़का समझदार था और पढ़ने में होशियार था। सेठ जी ने उसे ठीक से पढ़ाया लिखाया। जब वह लड़का पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सेठ ने सोचा कि अब ये मेरा कारोबार संभाल लेगा। कुछ दिनों के बाद सेठ ने अपने बेटे की शादी करा दी। शादी करते ही उनके घर में बहूरानी आ गई। अब सेठ ने सोचा कि चलो बेटे की शादी हो गई, अब कारोबार संभाल लेगा। लेकिन कुछ दिन में उसके बेटे की अचानक तबीयत खराब हो गई। अब सेठ अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए उसे डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास ले जाकर थक चुका था। वैद्य जी जो भी दवा दे रहे थे वह दवा कोई असर नहीं दिखा रही थी। बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, खूब पैसा बर्बाद हो रहा था, पर बीमारी ठीक होने के बजाय और बढ़ती ही जा रही थी। रोग खत्म नहीं हो रहा था और पैसा भी खूब लग रहा था। अंत में डॉक्टरों ने भी हार मान लिया और कह दिया कि मर्ज ला इलाज हो गया है, इसको कोई असाध्य रोग हो गया है और तुम्हारा ये बच्चा दो दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों एवं वैद्यों के जवाब देने पर सेठ निराश होकर बेटे को लेकर रोते बिलखते हुए आ रहा था।
कि रास्ते में एक आदमी मिला। उसने कहा, सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो, क्या बात है? सेठ ने कहा, ये हमारा बेटा है, ये अब जवान है। हमने सोचा था कि हमारे बुढ़ापे की लाठी बनकर मेरी यह सहायता करेगा, पर अब ये बीमार हो गया है। बीमार होते ही हमने इसके इलाज के लिए खूब पैसा खर्च किया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब ये बचेगा नहीं। डॉक्टर ने बताया कि इसे असाध्य रोग हो गया है, चूला इलाज मर्ज है। डॉक्टर ने कहा कि अब इसे घर ले जाओ, ये दो दिन से ज़्यादा नहीं जिएगा। कहाँ कहाँ नहीं इलाज कराया मैंने इसका, मैंने अपने जीवन भर की कमाई लगा दिया इसे बचाने में, फिर भी इसका बचना मुश्किल लग रहा है। अब तो जेब में दो आने ही बचे हैं। उस आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम दिल छोटा मत करो, दुखी क्यों होते हो? आप मेरे घर के पास आ जाओ, वहाँ मेरे पड़ोस में एक वैद्य जी दवा देते हैं, उनकी दो आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है। बस अब बिना देर किए जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़ कर गए और वैद्य जी को सारा हाल कह सुनाया। वैद्य जी ने सेठ को दो आने की पुड़िया दी, जिसे वो ले आए। उसने दवाई की पुड़ी अपने बेटे को खिलाई, पर बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। अब सेठ जी का रो रो के बुरा हाल था, सेठानी भी जोर जोर से रोए जा रही थी, और घर में बहुरानी और पूरा गांव भी रो रहा था। पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि सेठ जी का बेटा भरी जवानी में मर गया, और बहुरानी का जीवन जवानी में ही बर्बाद हो गया, बेचारी टूट ही गई हैं। तभी गांव में अचानक एक महात्मा जी आ गए। महात्मा जी बोले, सेठ जी ये रोना धोना क्यों? सेठ ने कहा, महाराज जी आप कैसी बातें करते हो, जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो क्या खुशियां मनाएगा? महात्मा बोले, तो आपको क्यों रोना आ रहा है? सेठ बोला, महाराज मेरा बेटा मरा तो और किसको रोना आएगा? महात्मा ने कहा, उस दिन तो तुम बड़े खुश हो रहे थे सेठ। तब सेठ ने कहा, मैं किस दिन खुश हो रहा था, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? महात्मा बोले, तुम्हारे मित्र फौजी ने जिस दिन तुम्हें पैसा दिया था। सेठ ने कहा, हाँ कारोबार के लिए मैंने उससे पैसा लिया था तो खुशी था। महात्मा बोले, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था सेठ जी। सेठ ने कहा, किस दिन की बात कर रहे हैं आप? तब महात्मा ने कहा, याद करो सेठ, जिस दिन तुम्हारा फौजी मित्र युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गया था तुम कितना खुश हो रहे थे। अरे जिस दिन फौजी मर गया तुमने तो सोचा कि अब क्या, वो तो मर गया तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, तुम्हारे पास माल भी बहुत हो गया, कारोबार भी खूब चमक गया, और किसी को अब कुछ देना भी नहीं पड़ेगा, ये सोचकर बहुत खुश थे तुम, क्यों? सेठ शर्म से सर झुकाते हुए, हाँ महाराज ये सच है, मैं खुश तो था। तो महात्मा ने कहा, और उस दिन तो तुम्हारी खुशी का ठिकाना ना था सेठ, पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बांटी थी तुमने। सेठ ने कहा, किस दिन? महात्मा बोले, अरे सेठ जी जिस दिन तुम्हारा लड़का पैदा हुआ था। सेठ ने कहा, महाराज इसमें गलत क्या है, लड़का पैदा होता है तो कौन खुश नहीं होता है, मैं भी खुश हो गया तो क्या बात हो गई। महात्मा ने कहा, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। सेठ बोला, महाराज किस दिन? महात्मा बोले, अरे जिस दिन तुम अपना बेटा ब्याहने जा रहे थे। सेठ ने कहा, महाराज भला जो बेटा ब्याहने जाता है कौन नहीं खुश होता, हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश था। महात्मा ने कहा, जब इतनी बार खुश हो गए सेठ तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो? सेठ बोला, महाराज ये आपको जरा सी बात लगता है, मेरा जवान बेटा मर गया ये जरा सी बात है क्या? महात्मा बोले, अरे सेठ जी शायद तुम अब भी नहीं समझे, वही तुम्हारा फौजी दोस्त अपना पैसा लेने के लिए तुम्हारे घर बेटा बनकर आ गया, उसकी पढ़ाई लिखाई में खाने में पहनने में और उसके शौक में श्रृंगार में जितना धन लगाना था तुमने लगाया, और उसके शादी ब्याह में कुछ लग गया, और बचा खुचा ब्याज दर ब्याज लगाकर उसने डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब तुम्हारे जेब में मात्र दो आने पैसे बच गए, वो भी वैद्य जी को दिलवा दिया, अब दो पैसे का पुड़िया खाकर चल दिया, अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी।
सेठ ने कहा, महाराज हमारे साथ तो कर्मों का लेना देना था, चलो मान लिया, हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो हमारी जवान बहू घर में तड़प रही है, बेसुध रो रही है, भरी जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था? महाराज उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? महात्मा बोले, यह वही घोड़ी है जिसने जंग में उसको धोखा दिया था, भरी जवानी में उसको उस घोड़ी की वजह से धोखा मिला और वो मारा गया, तो इसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया। दोस्तों कर्मों का फल अकाट्य है, कर्म जब तक अपना फल नहीं दे देता तब तक वह समाप्त नहीं होता, कर्म फलों से कोई भी नहीं बच पाया है और ना ही कोई बच पाएगा, इसीलिए कहा जाता है कि कर्म सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि हमारा आज का किया गया कर्म हमारा कल का भविष्य बनाता है, और जैसा आज का हमारा कर्म होगा वैसा ही हमारा आने वाला कल होगा, इसीलिए हर व्यक्ति को अच्छा कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब हमें एक दिन तो देना ही पड़ता है, इसलिए हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सबके साथ प्रेम और ईमानदारी के साथ रहना चाहिए।